subscribe to success ease and press the bell icon to get all the latest videos good afternoon everyone welcome to success आप सभी का स्वागत है मैं शुभम अग्रवाल आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइम एंड मोटार तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी डिस्टैम्परिंग में डिस्टैम्परिंग में हमने लाइम की बात कर रहे थे वहाँ पे हम तो आज हम लाइम को देखते हैं बेसिकली लाइम एक्चुअली में है क्या लेकिन रोज़ की तरह मेरा आप सभी सभी से एक सवाल कैसे हैं आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी अपनी प्रेजेंस को ज़रूर शो करें ठीक है मैं देख रहा हूँ अलका राव जी आ गई हैं शाकुर अहमद जी आ गए हैं शुभम मालवीय जी आ गए हैं है। स्टील का या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट कीजिए सब्जेक्ट होने के बाद कह रहे हैं स्कील या कॉन्क्रीट शुभम मालविया जी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चल रहा है और संडे को दो लेक्चर उसके प्रीमियर भी हो चुके हैं ठीक है सुमित राय भी आ गए हैं फर्स्ट लाइव क्लास चलिए सुमित जी धन्यवाद सप्लीनर रॉय ओके गुड आफ्टरनून इंजीनियर सड्डा शुभम मालविया शिव मालवीय जी बिल्कुल कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होता है कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि भैया कन्वेंशनल में लंबे सवाल आते हैं और ऑब्जेक्टिव में छोटे ठीक है तो कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता और वैसे भी बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या को? जो कहानी में बताऊँगा वो लिखने के लिए बोलेगा वो ठीक है देवेंद्र चौहान जी गुड आफ्टरनून विनीत जी अभिषेक जय सिंह तो वीडियोस को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें चलिए चलिए ठीक है तो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कुछ कह रहे हैं कि जय सिंह जी कह रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो प्लीज वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर बात की जाएगी उसकी ठीक है इसके अलावा क्या कह रहे हैं शुभम मालविया जी कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल में बता दिया हूँ बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि भाई आपके कन्वेंशनल के जो सवाल होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं ठीक है तो कन्वेंशनल में सब्जेक्टिव जब सवाल आते हैं तो सॉल्व करके आपको प्रॉपर्ली वहाँ दिखाना पड़ता है जब हम किसी सवाल को जैसे हमने आर सी सी कवर अप की वहाँ पर हमने कन्वेंशनल सवाल भी किए ठीक है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में भी हमने कन्वेंशनल सवाल किए ठीक तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सर्वेइंग में हमने कन्वेंशनल सवाल किए तो सारे कवर्ड अप हैं लेकिन बिल्डिंग मटेरियल से आपसे कन्वेंशन सवाल क्या पूछेगा वहाँ पे पूछेगा भाई लाइम कंक्रीट या सीमेंट एक्सप्लेन कर दो तो एक्सप्लेन कर देना कॉन्स्टिट्युएट और उसके सारे फंक्शन तो कवर अप तो हो रहा है ठीक है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है सारी चीज़ें जो हैं हमारी ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल को लेकर सारी बिल्कुल चल रही हैं बस आपको पहले प्री पे थोड़ा ध्यान देना है कि भैया अगर मैं एसएससी का पेपर देने जा रहा हूँ तो प्री में मेरे से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं लगा लूँगा जब कन्वेंशनल आपका क्लियर हो जाएगा आपका ये ऑब्जेक्टिव तो हम कन्वेंशनल के सवाल भी उसी तरह से वीडियोज क्रिएट करेंगे आपके लिए तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है अंशु जी गुड आफ्टरनून देखिए शर्मा सर इंडस्ट्रियल टेम्बर और डिफेक्स टेम्बर की पी लिंक अटैच है वो पेंट्स की है अच्छा पेंट्स की होगी चलिए कोई बात नहीं सही करवा दूंगा मैं रिकी जी ठीक है चलो शुरू करते हैं तो बात आज हमारी किसकी है लाइम की है देखिए लाइम के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ ठीक है कंप्यूटर जी डिस्प्ले कर दें ठीक है तो लाइम के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लाइम एक एमोरफस मटेरियल है कैसा एमॉर्फस एमोर्फस किसे बोलते हैं जो नेचर में अकर होता है चुरली ठीक है जिसका कोई शेप और साइज नहीं होता नो शेप एंड साइज तो उस जिसका शेप एंड साइज नहीं होता उसको एमरफस बोलता हूं ठीक है और ये कैसा एक मटीरियल है जो कि नेचुरली अकर होता है तो यह नेचुरली अकरिंग एमरफस मटीरियल है जो कि नेचर में अकर हो रहा है जिसका कोई परफेक्ट शेप या साइज नहीं होता

नहीं होगी ठीक है तो आपको एक बात याद रखना है जो भी आर्टिफिशियल मटेरियल होता है उसमें मैं परसेंटेज की बात करता हूं लाइम में परसेंटेज की बात नहीं करता ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूं कि लाइमस्टोन से के कैल्सिनेशन से ठीक है कैल्सिनेशन से मैं क्या बना रहा हूं मैं लाइम बना रहा हूं ठीक है तो जब मैं इसके कैल्सीनेशन से लाइम बनाऊंगा तो किसी ना किसी अभी कैल्सीनेशन क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लें लाइमस्टोन लाइम स्टोन के क्या कर कर दूंगा दूंगा और इसके से मुझे क्या मिल जाएगा लाइम मिल जाएगा ठीक है बोले तो और इसका अगर मैं करता नौ सौ डिग्री सेल्सियस पे लगभग ठीक है तो मुझे क्या मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगी और इससे क्या रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रिलीज होती है ठीक है तो लाइमस्टोन के अंदर देखिए सिर्फ लाइम

कि भैया नॉन हाइड्रोलिक लाइम जो है एयर की प्रेजेंस जब तक नहीं हो तब तक इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज क्या नहीं होती हैं हमें नहीं मिल पाती हैं लेकिन हाइड्रोलिक लाइम में ऐसा देखने को मुझे नहीं मिलता इसलिए अभी टाइप्स ऑफ लाइम देखते हैं उसमें समझने की कोशिश करेंगे ठीक है आई लव माई इंडिया जी भी आ गए चलो कह रहे हैं कि नौ डिग्री सेल्सियस भी किया जाता है ठीक है बहुत बढ़िया अक्षय शर्मा कह रहे हैं खर भाई अड़तीस ऑनलाइन है अच्छा दिनेश यादव जी कह रहे हैं प्लेलिस्ट नहीं बन रही है इसकी प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है बिल्डिंग मटेरियल्स की आज अपडेट करा दी जाएगी एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी करवा देंगे भाई घोष जी चलिए पंकज कुमार जी धन्यवाद आगे बढ़ते हैं ठीक है तो वीडियोस को लाइक जरूर करते रहें अच्छा मैं ये बात कर रहा था ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई लाइमस्टोन से ही मैं लाइम को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं अभी देखिए

तो की बहुत होती है. मतलब जैसे ही पानी की प्रेजेंस में आता है उसके साथ क्या कर जाता है तुरंत रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करते ही क्या बना लेता है, है आपकी स्लेक्ड लाइम बना लेता है क्योंकि स्लेकिंग प्रोसेस कहा जा रहा है तो इसको मैं स्लेक्ड लाइम कह दूंगा स्लेक्ड लाइम के साथ साथ इसे ठीक है स्लेक्ड लाइम के साथ साथ इसे हाइड्रेटेड लाइम बोला जाता है आपको यह बात भी ध्यान रखनी है ठीक है तो याद रखने का तरीका है स्लेकिंग प्रोसेस है स्लेक्ड लाइम हो गया स्लेक्ड लाइम को ही मैं क्या बोलता हूं हाइड्रेटेड लाइम बोलता हूं क्योंकि यह क्या हो रहा है हाइड्रेशन हो रहा है पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब पानी के साथ रिएक्ट करता है मैं उसको क्या बोलता हूं हाइड्रेशन बोलता हूं इसलिए मैं उसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोलता हूं ठीक है तो नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि भैया स्लेग लाइम मिल गया हाइड्रेटेड लाइम मिल गया इसी को मैं मिल्क ऑफ लाइम भी बोलता हूँ इसी को क्या बोलता हूँ मिल्क ऑफ लाइम भी बोलता हूँ क्योंकि जब यह पानी के साथ रिएक्ट करता है ना ठीक है तो एक सफेद रंग का क्या बना लेता है सोल्यूशन बना लेता है और वो देखने में दूध जैसा लगता है इसलिए मैं क्या बोलता हूँ मिल्क ऑफ लाइम भी बोलता हूँ ठीक है नेक्स्ट कर देंगे ठीक है मिल्क ऑफ लाइम सुमित राय जी भी पढ़ के आए हैं चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो मैं मिल्क ऑफ लाइम भी बोल रहा हूं अब ये जो हाइड्रेशन है ठीक है इसका इस्तेमाल मैं कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ये पता चल चुका है कि भैया ये जो स्लेकिंग हो रही है ये क्या कर रहा है मिल्क ऑफ लाइम बना रहा है तो मैंने क्या किया मोटार बनाने के लिए क्योंकि मैं लाइम से क्या बना लेता हूं मोटार बना लेता हूँ लाइम मोटार ठीक है तो मैं मोटार जब बनाऊंगा क्योंकि मैं लाइम का इस्तेमाल कहां करने वाला हूं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में मोटार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं ठीक है तो मोटार जब मैं बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं इसका मिक्सचर मिक्सचर बना लेता हूं ठीक है बनाने के बाद इसको एक बैरल में भर के ठीक है और ऊपर पांच से दस सेंटीमीटर की लेयर डाल देता हूं किसकी सॉइल की यह एक बैरल लिया इसके अंदर पेस्ट भर दिया लाइम पेस्ट ठीक है और इसके ऊपर पांच से दस सेंटीमीटर क्या डाल दिया सॉइल कवर कर दिया कवरिंग ऑफ सॉइल ठीक है और कवर करने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए रख देता हूं कितने टाइम के लिए जब मोटार बनाना होता है लगभग एक हफ्ते के लिए मोटार के लिए लगभग एक हफ्ते के लिए रख देता हूं ठीक है और जब मुझे क्या बनाना होता है प्लास्टरिंग के लिए तैयार करना होता है इसको जो इसका पेस्ट है ठीक है तो प्लास्टरिंग के लिए लगभग रख देता हूं पांच से छह हफ्तों के लिए ठीक है पांच से छह हफ्ते क्यों रख रहा हूं ताकि जो मिक्सचर बन जाए वो कैसा बन जाए एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए क्योंकि जब मिक्सचर होमोजीनियस होगा ठीक है होमोजीनियस मिक्सचर होगा और उसको मैं सरफेस पे अप्लाई करूंगा प्लास्टरिंग करने के लिए ठीक है तो क्या होगा जो सरफेस निकल के आएगा वो काफी इवन सरफेस होगा तो मैं क्या कर रहा हूं मिक्सचर को होमोजीनियस बना रहा हूं ठीक है अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि जब स्लेकिंग आप करते हैं है? तो होमोजीनियस तो मिक्सचर बन गया लेकिन जैसे ही ये क्या करता है पानी के साथ रिएक्ट करता है ठीक है रिएक्शन बहुत तेजी से होता है विगरस्ली होता है और विगरसली होने के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है ठीक है जो इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना कर बग, इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम लगभग दो से तीन टाइम इंक्रीज कर जाता है इंक्रीजेज ठीक है ऑन स्लेकिंग के टाइम क्या होता है जो लाइम है अपने वॉल्यूम का दो से तीन गुना इंक्रीज कर जाता है ध्यान बात आई एस सिविल के लिए भी कोई पेड बैच है क्या अलका राव जी अभी आई ई एस सिविल के लिए हमने अभी बैच शुरू नहीं किया है तो उसके लिए कोई अभी बैच नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ठीक है ये हाइड्रेशन का प्रोसेस था अभी एक बात आपको और भी पता होनी चाहिए कि भाई जनरली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल देखा गया कि हमसे पूछा गया कि दस किलो अगर लाइम ले लें ठीक है अगर मैं दस के लाइम ले लूँ तो दस के लाइम के लिए मुझे लगभग कितने पानी की जरूरत पड़ेगी तो 3.2 पॉइंट ऑफ वाटर की मुझे जरूरत पड़ती है ठीक है ये थ्योरेटिकल ये वैल्यू है, ये है आपको रखनी पूछा जाएगा कि 10 के लिए मैं कितना पानी इस्तेमाल कर, कर लीजिए लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी क्योंकि भैया है इसके लाइम के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ठीक है और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर बेसिकली चार चीजें प्रेजेंट होती हैं और पहली है क्ले दूसरी है सिलिका ठीक है मैं लिख देता हूं ठीक है तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा सबसे पहले बात क्ले की करना चाहूंगा ठीक है अगर मैं क्ले की बात करूं ठीक क्योंकि चार कंपोनेंट है उसमें क्या है पहला क्ले है क्ले की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्ले है ना ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देती है कैसी प्रॉपर्टीज देती है इसको हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देती है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब यह है इन सेटिंग ठीक है, सेटिंग में हेल्प करती है भैया हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी देती है, हाइड्रोलिसिटी बोले तो पानी में सेट होने में मदद करती है, है? क्योंकि अगर आप को पानी में क्या, कहीं पे तो वहां पे क्या चाहिए आपको सेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए सेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो भैया ना जो लाइम के अंदर प्रेजेंट है वो उसको हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी देगी और मदद करेगी ठीक है अब इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है लेकिन जिस भी लाइम के अंदर आठ से तीस परसेंट क्या होती है क्ले की परसेंटेज होती है मैं उसे गुड लाइम कहता हूं तो बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जिसके अंदर क्ले का परसेंटेज कितना हो आपको चार ऑप्शन देगा आपको ढूंढ लेना है कि आठ से तीस परसेंट वाला क्वेश्चन या सॉरी ऑप्शन कौन सा है आप बता सकते हैं कि वो क्या होगा गुड लाइम होगा ठीक है तो हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी दे रही है लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं अगर ये एक्सेस में हो जाए ना क्या क्ले एक्सेस इन क्ले ठीक है तो ये क्या कर देती है स्लेकिंग जो हो रही थी पानी के साथ जैसे ही आपने लाइम पानी के साथ मिलाया था स्लेकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था तो जो स्लेकिंग का प्रोसेस हुआ था उस स्लेकिंग को क्या कर देती है रिटार्ड कर देती है रिटार्ड ठीक है तो स्लेकिंग का प्रोसेस आपका क्या हो जाता है रुक जाता है अगर यही क्ले का परसेंटेज बहुत एक्सेस में हो जाए ठीक है आपको ध्यान रखना है इसके बाद ये तो क्ले की बात हो गई क्ले के अलावा मैं बात करना चाहूंगा किसकी सेकेंड सिलिका की ठीक है ये एक्चुअली क्या होता है एक काइंड ऑफ सिलिका होता है ठीक है तो आप इसको सोल्यूबल सिलिका भी बोल सकते हैं सोल्यूबल सिलिका भी बोल सकते हैं अभी जो सोल्यूबल सिलिका है ये भी हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी दे रहा है मतलब ये भी मदद करता है पानी में सेट कराने में हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देता है भैया ये भी, भी ठीक है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज दे रहा है ठीक तो ये भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी दे रहा है थर्ड मेरे पास क्या है मैग्नीशियम तो ठीक है तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ठीक है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लाइन को ठीक है स्ट्रेंथ ठीक है तो स्ट्रेंथ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्लियर रहेगी बात ठीक है तो जो कुछ कह रहे हैं क्लेम पार्ट हाइड्रोलिसिटी चलिए ठीक है इसके अलावा लाइम पेंटिंग कितना ड्यूरेबल होता है सर प्रशांत यादव जी कह रहे हैं लाइम पेंटिंग कितना ड्यूरेबल होता है भाई लाइम पेंटिंग क्या कर रहे हो लाइम से आप मोटार लगा रहे हो ठीक है तो भाई सीमेंट आप सीमेंट पेंटिंग करते हैं सीमेंट पेंटिंग सीमेंट लाइम से ही तो बना रहे हैं ठीक है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है सीमेंट पेंटिंग की बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन वो यूनिफॉर्म करता है सर्फेस को पेंट्स में मैंने बताया है डिटेल में वहां पर जाके देखें ठीक है सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम राय जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जहाँ से भी पढ़ के आएँ बिल्कुल सही पढ़ के आए ठीक है जो सिलिकेट्स होते हैं ये मैग्नीशियम के होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं और कैल्शियम के होते हैं लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फंक्शन पता होना जरूरी है ठीक है तो फंक्शन आप जानते हैं कि भाई ये भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज आपको देता है अच्छा फोन एक्स जी बातें करने में लगें कोई बात नहीं ठीक है और दूसरी बात मैं बता देता हूँ जो सल्फेट्स हैं ठीक है तो इनकी प्रॉब्लम जो फंक्शन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं इसलिए एक एक लाइन में बात कर रहे हैं ठीक है जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है नेक्स्ट सल्फेट्स की बात करूं तो ये एक्सेलरेट करता है सेटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट सेटिंग प्रो प्रोसेस ठीक है तो जो सेटिंग प्रोसेस है उसको क्या देता है? Accelerate कर देता है एक्सेलरेट कर देता है ठीक तो ये छोटे से फंक्शन है बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं है ठीक है लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्ले का परसेंटेज किस टाइप की लाइम में कितना होता है क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो उसके हिसाब से ही बनता है इसलिए मैं आ जाता हूं टाइप्स ऑफ लाइम पे कि भाई जो लाइम है ये कितने टाइप के हैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ लाइम की ठीक है तो जो लाइम है ये बेसिकली मेरे पास तीन टाइप के हैं ठीक टाइप्स ऑफ लाइम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइम जो है उसमें पहला लाइम है फैट लाइम अगर फैट लाइम की बात करूं देखिए फैट लाइम नाम में लिखा है जिसके फैट कौन होता है जिसके पर माल ज्यादा होता है ठीक है माल मतलब शरीर से ठीक है तो अभी ये जो फैट लाइम है इसकी जो प्योरिटी है ना क्योंकि भैया मैं लाइम कहां से ला रहा हूं लाइम से ला रहा हूं तो जिस लाइम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्विक लाइम का परसेंटेज प्योरिटी उसकी 95 परसेंट से ज्यादा हो मैं उसे क्या बोलता हूं फैट लाइम बोलता हूं अगर उसके अंदर लाइम का परसेंटेज ज्यादा होगा तो क्ले का परसेंटेज क्या होगा कम होगा लेस देन फाइव परसेंट अगर क्ले का परसेंटेज कम है तो क्या भैया हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी मतलब ये सेट स्लोली होता है स्लोली सेट होता है सेट तो स्लोली होता है लेकिन इसकी एक खास बात यह होती है कि यह बहुत तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करता है रिएक्ट्स विद वॉटर विग्रसली ठीक है पानी के साथ जो रिएक्शन है इसका बहुत तेजी से है ठीक है साथ में अगर मैं बात करूं तो इसकी प्लास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है प्लास्टिसिटी क्या होती है हाई होती है और यह भी अपने वॉल्यूम का लगभग दो गुना बढ़ जाता है दो से ढाई गुना बढ़ जाता है टू 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 पॉइंट फाइव टाइम्स ठीक है तो दो से ढाई गुना इंक्रीज कर जाता है अपने वॉल्यूम के व्हेन रिएक्टेड विद वाटर ठीक है जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है तो नेक्स्ट कर देंगे सर ठीक है तो पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो दो से ढाई गुना अपना क्या कर चुका होगा वॉल्यूम में इंक्रीज कर चुका होगा ठीक है इसकी एक खास बात यह भी है अगर आप इसको पहचानना है तो आसानी से पहचाना जा सकता है इसका परफेक्ट व्हाइट कलर होता है कैसा होता है परफेक्ट व्हाइट कलर जैसे ये परफेक्ट व्हाइट कलर है ठीक है बोर्ड का जैसे व्हाइट है कैसा परफेक्ट व्हाइट तो परफेक्ट व्हाइट कलर होता है दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसको वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे अपीरेंस बहुत अच्छी चीज होती है मतलब एस्थेटिक अपीरियंस बहुत अच्छी चाहिए जैसे किस केस में चाहिए कलर वॉशिंग के, के केस में चाहिए वाइट वॉशिंग के, के केस में चाहिए ठीक है तो वहां पे मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा फैट लाइम का इस्तेमाल करूंगा प्लास्टरिंग के केस के में चाहिए मैं उसका इस्तेमाल करूंगा ठीक है क्लियर रहेगी बात अभी एक सवाल और भी बनता है फैट लाइम से और वो ये सवाल है कि इसको कहां से लाया जाता है लाया तो जाता है लाइम से हमें पता है लेकिन इट इज ऑप्टेन्ड फ्रैलसीनेशन लेकिन किसका कैल्सिनेशन कैल्सनेशन ऑफ सी शेल्स सी शेल्स के कैल्सिनेशन से इसको ऑप्टेन किया जाता है एक पॉइंट अपने पास ये ध्यान रखना है सही रहे बात ठीक है अभी ये तो फैट लाइम हो गया जो कि मैं व्हाइट वॉशिंग के लिए कलर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं एक मेरे पास दूसरा टाइप का लाइम भी है जो कि कौन सा है हाइड्रोलिक लाइम उसकी भी बात करना चाहूंगा ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फैट लाइम है इसको प्योर लाइम भी बोला जाता है क्योंकि इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है ठीक है साथ ही में इसे रिच लाइम भी बोला जाता है क्योंकि भाई इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो प्योरिटी है बहुत ज्यादा है इसलिए क्या है इसको रिच भी बोल रहे हैं सही है और इसीलिए हाइली कॉस्टिक लाइम भी बोल देते हैं ठीक है अभी सेकेंड टाइप का जो लाइम है मेरे पास नेक्स्ट बात करना चाहूंगा वो है हाइड्रोलिक लाइम कौन सा लाइम है हाइड्रोलिक लाइम ठीक है देखिए हाइड्रोलिक लाइम की बात करूं ठीक है कंप्यूटररी नेक्स्ट कर दें हाइड्रोलिक लाइम की अगर मैं बात करूं तो प्योरिटी जो इसकी होती है वो 70 से 95% के बीच में होती है कितनी होती है 70 से 95% के बीच में ठीक है और जो इसका क्ले परसेंटेज है मतलब क्या कर चुका होगा बढ़ चुका होगा और वो कितना होता है ठीक है 5 से 30 के बीच में और क्या ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता लगता है बिल्कुल लगता है तो क्ले जो का, का जो परसेंटेज है वो 5 से 30 के बीच में है है इसीलिए कैसा लाइम लाइम होगा होगा ये गुड ठीक नेक्स्ट कर देना ठीक है तो जो गुड लाइम है अभी जो गुड लाइम है ठीक है प्योरिटी मैं जानता हूं इसका जो इसको भी कहीं ना कहीं से ऑप्टेन करते होंगे तो इसको भी जो ऑप्टेन किया जाता है फ्रॉम कैलसीनेशन ऑफ कंकड़ जो कंकड़ पत्थर आता है ठीक है स्टोन्स में ठीक है बात करी थी तो कंकड़ से इसका कैल्सिनेशन करके इसको ऑप्टेन किया जाता है एक बात मैं और भी बता दूं क्योंकि भैया जो इसकी क्ले की परसेंटेज अब बढ़ चुकी है मतलब हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी होगी बढ़ चुकी होगी मतलब इसको पानी में और आसानी से क्या किया जा सकता है सेट किया जा सकता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और मिल जाती है कि यह पानी में कंपेरेटिवली आसानी से जल्दी सेट हो जाता है एक बात यह खास समझ में आई है ठीक है मतलब इसको और दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि इसको कहा इस्तेमाल करते हैं जहां पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जहां पे चाहिए क्योंकि लाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी लेकिन इसको जब क्या कर सकते हैं मॉडिफाई करते हैं जैसे कि सीमेंट में मॉडिफाई कर देते हैं और भी में लाके और प्रोसेस करके उसको सीमेंट सीमेंट बना लेते हैं तभी ने लाइम को रिप्लेस कर दिया ठीक है तो जहां पे एक क्या चाहिए होती है स्ट्रेंथ चाहिए होती है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहां पर किसका इस्तेमाल कर लेता हूं हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल कर लेता हूं जैसे कि स्टोन मैशनरी में ब्रिक मैशनरी में एग्जाम्पल आपको

स्लाइटली हाइड्रोलिक लाइम बोलता हूं ये जो स्लाइटली हाइड्रोलिक लाइम है ये पानी में सेट नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि भैया क्ले का परसेंटेज कम है कैसे पानी में सेट हो जाएगा हाइड्रोलिसिटी जैसी प्रॉपर्टी में ही मिलती है लेकिन अगर इसका क्ले का परसेंटेज कितना हो जाए करीब पाँच सॉरी आठ से पंद्रह परसेंट तक चले जाए तो मैं इसे क्या बोल देता हूँ इसे मैं बोल देता हूँ मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम बोल देता हूँ और मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम की खास बात यह होती है कि वो पानी में क्या कर जाता है सेट कर जाता है क्योंकि भैया क्ले का परसेंटेज बढ़ चुका है और जब क्ले का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो पानी में आसानी से सेट कर पाएगा इसीलिए वो आसानी से सेट कर जाता है और लगभग 15 से 20 दिन में ये सेट हो जाता है इनिशियली इसको सात से आठ घंटे लगते हैं सेट होने में ठीक है लेकिन अपना काम पंद्रह से बीस दिन में पूरा कर देता है और मैं आपको यह बता दूं कि हार्ड होता रहता है धीरे धीरे ठीक है अभी लेकिन मुझे अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लाइम चाहिए ठीक है तो मेरे पास एक और लाइम है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इमेनेंटली हाइड्रोलिक लाइम तो जो एमनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है इसको मैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूं किसके लिए इस्तेमाल करता हूं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन क्यों क्योंकि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे एक ऐसे लाइम की जरूरत है जो पानी में आसानी से सेट कर जाए और वो कौन सा है वो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है क्योंकि भैया इसके जो क्ले का परसेंटेज है वो पंद्रह से तीस परसेंट है और पंद्रह से तीस परसेंट है, है मतलब अच्छा खासा क्ले परसेंटेज है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी और मिल रही है इसीलिए मैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग करता हूं क्लियर रहेगी बात ऑनलाइन नहीं कर सकता ऑफलाइन करता हूं अच्छा हाँ बिल्कुल ये स्लाइटली हाइड्रोलिक लाइम को फीबली हाइड्रोलिक लाइम भी बोल दिया जाता है याद रख लेंगे चलिए ठीक है फीबली हाइड्रोलिक लाइम ठीक है चलिए माया सिंह जी धन्यवाद ठीक है याद दिलाने के लिए मुझे नेक्स्ट बात करते हैं ये हाइड्रोलिक लाइम की बात होगी लेकिन मेरे पास एक और हाइड्रोलिक लाइम है और वो कौन सा है पुअर लाइम है ठीक है तो नेक्स्ट बात करना चाहूंगा पुअर लाइम की किसकी पुअर लाइम की अब देखिए पुअर नाम में है भैया ये ठीक है मतलब इसके बस की नहीं है ठीक है मतलब जिसकी प्योरिटी क्या होगी कम होगी लेस देन 70 भाई ठीक है क्ले का परसेंटेज इसका मतलब क्या होना होना चाहिए ज्यादा तीस परसेंट से भी ज्यादा अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि भैया अगर एक्सेस में क्ले परसेंटेज हो जाए तो फिर वो स्लेकिंग के प्रोसेस को क्या कर देता है रिटार्ड कर देता है मतलब उसकी रिएक्शन प्रोसेस क्या हो जाती है रिटार्ड हो जाती है मतलब स्लो हो जाती है मतलब वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता अगर वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा तो मैं उसका ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं जो जहां पे रिएक्शन में चाहता ही नहीं कि हो जैसे कि एग्जाम्पल किसका ले लेता हूं एग्जाम्पल फाउंडेशन लाइनिंग वर्क फाउंडेशन लाइनिंग वर्क में मैं किसका इस्तेमाल करता हूं इसी पुअर लाइम का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि भैया जल्दी से रिएक्ट ही नहीं करेगा जब फाउंडेशन की जो मैं लाइनिंग है जो बाहर की बाहर की परत है मैं किससे कौन सा मोटर इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पे वहां पे लाइम मोटार इस्तेमाल कर रहा हूं और लाइम मोटार में पुअर लाइम का इस्तेमाल कर रहा हूं जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो असर ही नहीं पड़ेगा जल्दी से ख़राब ही नहीं होगी इसीलिए मैं पुअर लाइम का इस्तेमाल फाउंडेशन लाइनिंग वर्क में करता हूँ और मैं अगर कलर की बात करा दूँ ना तो जो पुअर लाइम है ये मडी वाइट कलर का होता है अच्छा जो हाइड्रोलिक लाइम था उसका कलर मैंने आपको नहीं बताया हाइड्रोलिक लाइम का जो कलर है वो ऑफ वाइट कलर है ठीक है फैट लाइम का बिल्कुल परफेक्ट वाइट था लेकिन यहां पे का कैसा है बात क्लियर है सभी लोगों को तो मैं जानता हूं किस टाइप का लाइम मुझे कहां पे इस्तेमाल करना है ठीक है और कि, किस किस टाइप के लाइम मेरे पास अवेलेबल है ठीक है फ्रॉम कैल्सिनेशन हाँ बिल्कुल ठीक है और ये जो मैं आपको बता दूं जो आपकी पुअर लाइम है पुअर लाइम को आप कैल्सिनेशन से लेके आते हैं और किसके कैल्सिनेशन से लेके आते हैं डोलोमाइट स्टोन की डोलोमाइट स्टोन से तो तीनों का कैल्सिनेशन कहां से हो रहा है अब बेसिकली पता है क्योंकि लाइमस्टोन भी मेरे टाइप के हैं ठीक है जो तीन टाइप के मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं यहां पे उनका नाम मैं जानता हूं पहला मैं किससे लेके आ रहा हूं शीशल से लेके आ रहा हूं फैट लाइम को दूसरा मैं किसको हाइड्रोलिक लाइम को ला रहा हूं कहां से कंकड़ से और मैं पुअर लाइम को कहां से ला रहा हूं डोलोमेट स्टोन से ला रहा हूं बिल्कुल क्लियर रखना एग्जाम में पूछा जाएगा आंसर कर देना बात खत्म ठीक है चलिए तो ये तो लाइम की कहानी है अब इसी लाइम का इस्तेमाल मैं किसमें कर सकता हूं वाटर ट्रीटमेंट में जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं ठीक है इसी लाइम का इस्तेमाल मैं कहां करता हूं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में करता हूं ठीक है इसी लाइम इस्तेमाल करता में पेपर इंडस्ट्री में भी करता हूं ठीक है तो लाइम का इस्तेमाल जो है काफी जगहों पर है और एक काफी अच्छा कॉम्पोनेंट मेरे लिए बन जाता है एक लाइम क्लियर रहेगी बात चलिए ठीक है तो लाइम जो है हमारा ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन हमारे अक्सर देखे जाते हैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूं मोटार की हटा देंगे स्क्रीन से इसकी मोर्टार की ठीक है जो मोटार है देखिए बेसिक बात यह समझनी है कि मोटार जो है ये मैं मिक्सचर है एक्चुअली किसका मिक्सचर है यह मिक्सचर है बाइंडिंग मटीरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वॉटर का और उसको मैं क्या बोल रहा हूं मोटार बोल रहा हूं बाइंडिंग मटेरियल जैसे इसमें क्या हो सकता है लाइम हो सकता है सीमेंट हो सकता है फाइन एग्रीगेट जैसे क्या हो सकता है सैंड हो सकता है सुर्खी हो सकती है

मैं परफॉर्म कर सकूं ताकि जो मेरा जो सरफेस है वो क्या हो सके स्मूथ हो सके तो स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए मैं अपने सरफेस का मोटार का इस्तेमाल करता हूं ठीक है तो वन ऑफ द एग्जांपल्स जो है मेरा क्या है प्लास्टरिंग है अब मोटार में भैया मैं क्या कर रहा हूं सवाल मेरा यह था कि मैं सीमेंट में पानी मिला लेता सीमेंट प्लस वाटर कर लेता तब अप्लाई कर देता जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था ठीक है अच्छा फोनिक्स कह रहे हैं आई एम फोनिक्स फोनिक्स थोड़ा सा पढ़ लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा में भी ठीक है तो सीमेंट और वाटर में मिला लेता लेकिन मैं जानता हूं सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो पानी के साथ मिलने के बाद क्या कर लेता है हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है जब हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा श्रिंकेज होगा मतलब कि भैया जहां पे मैं प्लेस कर दूंगा वहां पे श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और श्रिंकेज होगा तो क्या डेवलप होगा क्रैक डेवलप होगा ठीक है अगर क्रैक डेवलप हो जाएगा मेरा तो स्ट्रक्चर बेकार मेरी जो एस्थेटिक अपीयरेंस मुझे चाहिए था क्या वो मिली नहीं मिली इसीलिए मैं क्या करता हूं इसके अंदर फाइन एग्रीगेट मिला देता हूं और फाइन एग्रीगेट जैसे कि सैंड या सुर्खी जब मैं मिलाता हूं तो मिलाने से मुझे काफी अच्छा क्या मिलता है सबसे पहली बात तो क्या होता है बल्क तैयार हो जाता है कि भैया एक तो जो मैं अपना मोटर बना रहा था क्योंकि सीमेंट कंपेरेटिवली महंगा पड़ेगा इस सैंड से या से ठीक है तो भैया काम भी सस्ते में हो रहा है इकोनॉमिकल हो जाता है ठीक है साथ में सैंड बल्क तैयार कर देती है कि जो मेजर पोर्शन होता है वो सैंड का हो गया साथ में ये क्या करती है जो श्रिंकेज हैं जो इसके अंदर हो रहे थे ठीक है सैंड ड्यूसेज श्रिंकेज अगर श्रिंकेज रिड्यूस हो गए तो भैया क्रैक भी रिड्यूस हो जाएंगे तो क्रैक जो डेवलप हो रहे थे उनको क्या कर देती है रिड्यूस कर देती है अब क्रैक मुझे देखने को नहीं मिलते समझ में आई बात कि मैं सैंड को क्यों मिला रहा हूं ठीक है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है तो उसके लिए भी हम तैयार हो रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो इंटरव्यू में भी कोई सवाल पूछ लेगा मैं आंसर कर दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि भैया सीमेंट के अंदर सैंड को क्यों मिला रहा हूं या फाइन एग्रीगेट को क्यों मिला रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी भी तरह से इसमें श्रिंकेज नहीं होने देना सैंड रोक लेगी क्रैक नहीं होने देना रोक लेगी सही बात है लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी सैंड आप इस्तेमाल करते हैं सैंड शुड बी इनर्ट इन in मतलब कि भैया जो सैंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस भी मटेरियल के साथ मिलाएं या जिस भी सरफेस के ऊपर अप्लाई करें उसकी प्रॉपर्टीज को वो इफेक्ट ना करे ठीक है इनर्ट होनी चाहिए मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट ना करे उसके ऊपर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन उस सैंड की प्रेजेंस की वजह से ना हो मतलब वो जो सैंड है वो मैं जनरली कहां से लाऊंगा रिवर से लाऊंगा नदियों से लाऊंगा क्योंकि नदियों में जो मेरे को क्या मिलती है साफ पानी मिलता है वहां पे जो से सैंड होगी वो भी कैसी होगी साफ होगी लेकिन मैं कभी भी सी से सैंड नहीं लाता सी सैंड इज नॉट यूज इन मोटार ठीक है सी सैंड का इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं कभी भी क्योंकि सी के अंदर क्या होते हैं सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं और अगर सॉल्ट वाली मैं सेंड इस्तेमाल करूंगा ना मोटार के अंदर तो क्या होगा एफ्लोरसेंस होगा दाग धब्बे पड़ जाएंगे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी मेरे स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी क्योंकि वो क्या कर सकता है पानी मेरे स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है और वो मैं नहीं चाहता क्लियर रहेगी बात चलिए ठीक है सैंड की बात हो गई अभी सैंड तो बल्ग तो बढ़ा रही है बल्ग बढ़ाने के साथ साथ श्रिंकेज कम कर रही है क्रैक कम कर रही है ठीक है इसके अलावा एक सरफेस एरिया हाँ बिल्कुल एक सरफेस एरिया के टर्म्स में भी पूछ लिया जाता है कभी तो सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो भैया सरफेस एरिया क्या कर देती है बढ़ा देती है क्योंकि भाई जब मैं सैंड के पार्टिकल्स के बीच में ये क्या डाल दूंगा सीमेंट के पार्टिकल क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल सैंड के पार्टिकल से क्या है छोटे हैं ठीक है ठीके? तो उसके बीच में जाके एक तो क्या कर लेगी बाइंड कर लेगी अब आप, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो प्लास्टर कर सकते हो ठीक है दूसरी बात ये पूछा जाता है कि भैया स्ट्रेंथ क्या सैंड बढ़ाती है मोटार की देखिए मैं अगर आपको एक बात बता देता हूं कि भाई जो सैंड है वो डायरेक्टली कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती है मोटार की ठीक है स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती है लेकिन उसके री एडजस्टमेंट में क्या करती है मदद करती है क्यों क्योंकि ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट होने की वजह से क्या होने की वजह से ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होने की वजह से ठीक है क्या हो जाएगा उसका जो बल्क है वो कुछ क्या होगा वेल well ग्रेडेड हो जाएगा कैसा हो जाएगा वेल well ग्रेडेड हो जाएगा और वेल well ग्रेडेड आप जानते हैं कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है तो ज्यादा स्टेबल होगा तो मतलब एक बात ये समझ में आनी चाहिए जो मिक्सचर होता है वो वेल well ग्रेडेड होना चाहिए और अगर वेल well ग्रेडेड होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी क्लियर रहेगी बात तो री एडजस्टमेंट में क्या कर रहा है मदद कर रहा है एक बात मुझे और क्लियर है मेरे से ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भैया मुझे यह बता दो किस टाइप का मोटार चाहे सीमेंट मोटार चाहे लाइम मोटार जो आप बना रहे हैं यह किस रेशियो में किस कंस्ट्रक्शन टाइप के वर्क में इस्तेमाल होना चाहिए तो दिखा देंगे कंप्यूटर जी किस टाइप का मोटार किस वर्क में किस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होना चाहिए कंप्यूटर जी दिखा देंगे टाइप ऑफ़ वर्क, ठीक है टेबल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी ईश गोयल जी कह रहे हैं वो मेरी क्लास ऑफलाइन लेते हैं कोई बात नहीं कोशिश करिए कि ऑनलाइन आ, आ, आ जाए ठीक है बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन रहे लाइव रहे मतलब जब लाइव रहेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहता है आप अपने सवाल पूछ पाते हैं मैं उनका जवाब दे पाता हूं ठीक है और वीडियोज को खासकर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है अब यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है कंप्यूटर जी कंप्यूटर जी कंप्यूटर जी, Computer जी? ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूं पॉइंटिंग वर्क में अगर आपको इस्तेमाल करना है ठीक है तो पॉइंटिंग वर्क में सीमेंट मोटार इस्तेमाल करेंगे वन रेशो वन से वन रेशो टू का नेक्स्ट अगर आप किसका ग्राउटिंग वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है अगर आप कौन सा वर्क कर रहे हैं ग्राउटिंग वर्क कर रहे हैं तो ग्राउटिंग वर्क में भी क्या करेंगे सीमेंट मोटार का इस्तेमाल करेंगे ठीक है और सीमेंट मोटार कौन ठीक है तो ग्राउटिंग में जो सीमेंट मोटार होगा वन रेशो वन पॉइंट फाइव का होगा ठीक है कंप्यूटर जी यहां डिस्प्ले नहीं है टेबल डिस्प्ले नहीं हो रही है ठीक है अच्छा हो रहा है डिस्प्ले चलिए बंटी जी बढ़िया बात है ठीक है चलिए तो डैम प्रूफिंग कोर्स की अगर बात करें तो डैम प्रूफिंग कोर्स अगर आप करते हैं तो सीमेंट मोटार का इस्तेमाल करेंगे वन रेशो टू में या फिर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर आप मोटार वर्क कर रहे हैं तो वन रेशो टू में करेंगे अगर आप प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हैं अगर आप गंटिंग वर्क कर रहे हैं अगर आप मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कर रहे हैं मतलब प्लेंथ लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं तो मोटार का वर्क जो अगर करते हैं तो सीमेंट मोटार में अगर करेंगे तो वन रेशो थ्री से वन रेशो फोर में करेंगे और अगर आप लाइम मोटार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वन रेशो टू का करेंगे अगर आप मैसेनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर कर रहे हैं या फिर नॉर्मल ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो सीमेंट मोटार का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वन रेशियो फोर से वन रेशो सिक्स में करेंगे और अगर आप लाइम मोटार का इस्तेमाल करते हैं तो वन रेशियो टू से वन रेशियो थ्री में करेंगे इस रेशियो को भी मैं बता देता हूं अगर मैं वन रेशियो टू कह रहा हूं अगर सीमेंट मोटार में ठीक है तो वन पार्ट किसका होगा ये सीमेंट का होगा और ये दो पार्ट किसके होंगे सैंड के होंगे ठीक है अगर मैं यही बात लाइम मोटार में बोलता ठीक है तो ये एक पार्ट किसका होता लाइम का होता और ये दो पार्ट किसके होते सैंड के होते ठीक है अच्छा एक सवाल और भी पूछ ले जाता है स्क्रीन से हटा तो मैं अच्छा कौन पूछ रहा है सुंदर नाथ जी कह रहे हैं कि पॉइंटिंग वर्क क्या होता है देखिए पॉइंटिंग वर्क के लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो उसमें फिनिशिंग पॉइंटिंग ये सारी चीजें एक साथ बताऊंगा ठीक है तो आप निश्चिंत हो जाइए ठीक है अभी एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक मेरे पास क्या होता है, है।, है? गेज्ड मोटार, तो मोटार बोला जाता है इसे। क्यों बोला जाता है क्योंकि देखिए सीमेंट मोटार जो होता है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लाइम मोटार जो होता है थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो क्वालिटी और सस्ता दोनों काम हो जाएंगे ठीक है तो बेस्ट ऑफ बोथ कहा जाता है इसे ठीक है तो लाइम एंड सीमेंट मोटारेशन रेशन तक जाता है, है? एक पार्ट मिला पार्ट क्या मिला मिला अभी, तो पता है लेकिन एक मेरे से कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मोस्ट फायर रेजिस्टेंट मोटार मुझे बता दीजिए कौन सा है तो मोस्ट फायर रेजिस्टेंट मोटार जो आप बनाते हैं वो आप बनाते हैं सीमेंट मोटार ही लेकिन उस सीमेंट मोटार में किसका इस्तेमाल करते हैं एलुमिना सीमेंट का ठीक है तो जब मैंने टाइप्स ऑफ सीमेंट बताए थे जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर है उसमें हाई एलुमिना सीमेंट देखेंगे उसने बताया है कि इसकी ये टेम्परेचर क्या कर सकता है ज्यादा टेम्परेचर हैंडल कर सकता है इसलिए एलुमिना सीमेंट और एलुमिना सीमेंट के साथ किसका सुर्खी का इस्तेमाल करता हूं ठीक है तो सुर्खी का और एलुमिना सीमेंट का मिक्सचर क्या बनाता है मोस्ट फायर रेजिस्टेंट मोटार बनाता है मोस्ट फायर रेजिस्टेंट मोटार बनाता है यह बात आप ध्यान रखेंगे क्लियर रहेगी बात एक बात और भी कहना चाहता हूं कि मोटर को मैं यूनिट वेट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकता हूं यूनिट वेट के हिसाब से अगर यूनिट वेट पंद्रह किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से सॉरी मीटर क्यूब से क्या हुआ कम हुआ तो लाइट वेट मोटार और अगर 15 से ज्यादा हुआ मतलब पंद्रह या के बराबर या उससे कम हुआ तो लाइट वेट और उससे ज्यादा हुआ तो हैवी वेट मोटार ठीक है और अगर मैं बता दूं जनरल यूनिट वेट जो होता है ना भैया जनरल यूनिट वेट ऑफ मोटार जो होता है वो 18 से 19 होता है इसका मतलब एक जनरल मोटार कितना होता है एक जनरल मोटार हैवी वेट मोटार होता है क्लियर रहेगी बात वॉल में जो होल होता है उसमें सीमेंट मोटार भरते हैं पॉइंटिंग पर कहलाता है अच्छा चलो उसे ग्राउटिंग बोलते हैं भैया ठीक है आई लव माई इंडिया उसे ग्राउटिंग बोलते हैं कैविटी को भरने को ग्राउटिंग बोला जाता है ठीक है तो आज की बात जितनी भी बातें हमने की हैं ये समझ में आई हो तो मुझे थम्सअप करके ज़रूर बताएं दूसरी बात आप मुझसे टेलीग्राम लिंक के थ्रू जोड़ सकते हैं और ये जो लेक्चर मैंने आपको कराया है इसकी पी आपको लिंक में एक घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाएगी आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं क्लियर रहेगी बात चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सब्सक्राइब टू तो सक्सेजीज एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियोज